صباحا ومجددا فرنوا بنذر طاهر وجنان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. In this video, we will hear the head of Khatm-e-Nubuwwat Times, Mubashshir Reza Qadri, accept that Khatm-e-Nubuwwat means that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last law-bearing prophet, but that Hazrat Isa alaihi salam would come in the end times and he would be a prophet of Allah. To Isa ibn Maryam to wo nabi honge, wo nabi honge. वो उनके बारे में तो ये हदीस मुस्लिम शरीफ की वाज़ह तरीन हदीस है कि नबीउल्लाह नबीउल्लाह के चार दफ़ा अल्फाज आए हैं कि नबीउल्लाह नबीउल्लाह के चार दफ़ा अल्फाज आए हैं कि नबीउल्लाह होंगे. और यही मुसलमानों का अकीदा है कि नबी से नबूवत छीनी नहीं जाती, नबी से नबूवत छीनी नहीं जाती. जो एक दफ़ा नबी जिनको नबी बना दिया अल्लाह ने तो वो नबी है, वो नबी ही रहेगा, वो नबी ही रहेगा. तो ईसा इब्ने मरियम की वो निशानी वो क़यामत के कुरम में वो जनाब वो जब नज़ूल करेंगे तो वो नबी ही बन के आएंगे. लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो उम्मती भी होंगे, वो उम्मती नबी होंगे और मेरे आका की शरीयत के ऊपर वो अमल करेंगे और उसी की शरीयत की इत्तबा करेंगे और इशात करेंगे. मैंने अपने जवाब में दो बातें कही थी, एक इमाम आ गया है हमने पहचान लिया, दूसरा ईसा अलैहि सलाम फौत हो गए. ठीक है ना, नबूवत का जिक्र नहीं किया. क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ. इसलिए कि नबूवत के बारे में हमारा इख्तलाफ है ही नहीं. ये सारे मौलवी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. उसकी वजह यह है, आप इनसे पूछ के देख लें, किसी मस्जिद में चले जाएं, आप इनसे पूछें कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या दुनिया में कभी कोई नया या पुराना नबी कहीं नहीं आएगा. रसूल सल्लम के विसाल के बाद क्या दुनिया में किसी खित्ते में कहीं भी ना कोई नया नबी आएगा ना कोई पुराना नबी आएगा, ये बताओ. वो कहेंगे नहीं, पुराना आ सकता है नया नहीं आ सकता. मुहम्मद रसूलल्लाह से पहले का नबी दोबारा आ सकता है, यही उनकी बदनीयती है जिसकी वजह से ईसा को जिंदा बनाया हुआ. अब उनसे आप पूछें कि तुम तो कहते थे उम्मत मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, तो अब कहते हो पुराना नबी दोबारा आएगा. अगर जरूरत नहीं थी नबूवत की तो लाया क्यों जाएगा. वो कहेंगे इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि रसूल सल्लम के आने से नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत की जरूरत खत्म नहीं हुई. यह किसी माकूल आदमी को काबिल कबूल है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमला है, उसकी हिकमत पर हमला है. कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, वो रोटी की सप्लाई बंद, अब ये बड़ा जुल्म है. रोटी की जरूरत है सप्लाई बंद, कहते नहीं हम बैकडोर से ले आएंगे, फिक्र न करो. कोई मकबूल बात है, बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है कि नहीं, ये भी कहते हैं जरूरत है. हम कहते हैं फ्रंट डोर से रोटी आएगी, मोहम्मद रसूलल्लाह की उम्मत से वो पैदा होगा जिसको खुदा ताला नबूवत की जरूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा. ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी. पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा. नबूवत का इनकार है ही नहीं. उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा. हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा. ये फर्क है. इसलिए खत्म नबूवत वाला वो अकीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है. आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा. अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहां से, और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है. शुक्रिया. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also, make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram.
صلِّ على محمدٍ صلِّ على شفينا صلِّ على محمدٍ